वेलकम बैक टू आवर चैनल कश्मीरी फार्मिंग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो है फुट रॉट के ऊपर। फुट रॉट होता क्या है, कैसे फुट रॉट जानवरों में पाया जाता है और इसके सिम्टम्स क्या है और इसका जो है ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, फुट रॉट ये एक इन्फेक्शस कंटेजनस डिजीज़ है। इन्फेक्शस वो होता है जो कि अगर बैक्टीरिया से हो जाता है या वायरस से हो जाता है, और कंटेजनस जो कि फैल जाता है एक जानवर से दूसरे जानवर तक। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे पहले फुट रॉट होता क्या है। अगर आपका भेड़ जो है वो लंगड़ा होकर के चल रहा है, ये ज़मीन पर जो है पैर एक या दो जो ज़मीन पर नहीं अच्छे से चल पा रहा है, तो जब हम इसका एग्जाम करेंगे, जब हम इसको देखेंगे, जब हम इसके हुप्स को देखेंगे, तो यहाँ आपको जो हुप्स के बीच में एक ज़ख्म दिखाई देगा। तो ये ज़ख्म जो यहाँ बीच में है, इसी को हम फुट रॉट कहते हैं। दोस्तों, इसका स्मेल जो है, ये जैसे सड़े हुए अंडे होते हैं वैसा ही है। तो ये दोस्तों कैसे हो जाता है, शिप्स में कैसे ये पाया जाता है। जब हम दोस्तों इनको जो है उस ज़मीन पर चराएंगे जहाँ पर मड्डी एरिया होगा, या उस ज़मीन पर चराएंगे जहाँ पर जो है नुकीले पत्थर होंगे, वही जो नुकीले पत्थर जो है वो इसके जो है इन हुप्स में फंस जाएगा, फिर एक ज़ख्म बन जाएगा, फिर उससे क्या होता है, फुट रॉट बन जाता है। या वही मर जो है जब इनके जो है इसी हुप्स में फंस जाएगी, जैसे इसके अभी हुप्स में अभी फंसा हुआ है ये मड, तो फिर बैक्टीरिया जो है अपना ग्रोथ स्टार्ट करता है, फिर ये धीरे धीरे से है इसको डिग्रेडेट जो है कर देता है। तो दोस्तों, जब ये डिग्रेडेट हो जाएगा, तब जो है पैर जो है पूरी तरह ख़राब हो जाएगा। हमें जो है अर्लियर इसको ट्रीटमेंट देना है, इसको ट्रीटमेंट करना है ताकि जो है इसका पैर जो है वो ख़राब ना हो जाए। या अगर आज का टाइम अगर देखे, आज जो हमारे भेड़ है वो शेड में होता है, अगर हमारे जो शेड है उस पर हाइजीन हमने मेंटेन नहीं किया है, उसमें हमने जो है इनके पैरों के नीचे, इनके हुप्स के नीचे अगर यूरिन जमा होता है या जो है फीकल मैटर ज़्यादा जमा होता है, तो उससे भी जो है ये फुट रॉट इनमें पाया जाता है। अगर जो है हमारे जो शेड जो है ये इसमें अच्छी तरह वेंटिलेशन नहीं रखा है, इसमें जो है ज़्यादा, अगर इसमें वेंटिलेशन नहीं होगा तो ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ज़्यादा निकलेगा, अमोनिया गैस ज़्यादा निकलेगा, तो अमोनिया गैस की वजह से भी ये फुट रॉट जो है वो फैलता है जानवरों में। तो दोस्तों, ये था इसका जो है ये कैसे हो जाता है। अभी जो है इसकी जो है कैसे हम अपने जो भेड़ है इनको बचाएंगे फुट रॉट से, तो सबसे पहले जो है अगर हम अभी ग्रेजिंग चल रहा है, हमें उस जगह पर इनको ग्रेजिंग करवाना है जहाँ पर मडी एरिया नहीं होगा, जहाँ पर ड्राई जो है एरिया होगा, या अगर जो है हमारे शीप अभी शेड में है, इनको जो है बटन फ्लोर पर रखना होगा, इनको जो है मॉइस्चर जहाँ पर होगा वहाँ पर इनको नहीं रखना है, जहाँ पर जो है यूरिन जमा होता है वहाँ पर इनको नहीं रखना है, हाइजीन हमें मेंटेन करना होगा, और जो है वेंटिलेशन का भी एक ज़रूरी ख्याल रखना है, तो वेंटिलेशन भी होनी चाहिए। इसके अलावा हमें जो है इनकी ट्रिमिंग भी ज़रूरी करनी होगी, वो हम लास्ट में आपको दिखाएंगे कैसे इनके हम ट्रिमिंग करते हैं। अगर हमने इनकी हुप्स की ट्रिमिंग नहीं की होगी तो इनकी जो है हुप्स जो है वो टेढ़े हो जाएंगे, फिर उसी में जो है वो बैक्टीरिया जो है वो अपना ग्रोथ स्टार्ट करेगा, तो हमें जो है ट्रिमिंग भी ज़रूरी करनी होगी। आप ये देख सकते हो, ये वाला पैर जो है इसका ये थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है, ये बिल्कुल जो है अच्छे से नहीं चल पा रहा है। तो दोस्तों, ये था इसका जो है कैसे हम इसको बचाएंगे। अब जो है इसका ट्रीटमेंट, सबसे पहले जो है हमें क्या करना होगा,
सबसे पहले जो है हमें इसकी सफाई करनी होगी, ये वाली हुक्स में। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ये दवाइयाँ होनी चाहिए। एक कॉपर सल्फेट निलथता, ये हमने डिजोल्व किया है इसमें पानी में। अगर आपके पास कॉपर सल्फेट नहीं, आपके पास ये पोटेशियम परमैंगनेट या आपको कहीं भी मिलेगा, कहीं भी मेडिकल स्टोर पर मिलेगा, ये भी हमने इसमें डिजोल्व किया है। या आपके पास जो आजकल का स्प्रे आता है एंटीबायोटिक स्प्रे, ये होना चाहिए। और एंटीबायोटिक्स ये हमारे पास है ऑक्सा टेट्रासाइक्लिन। और अगर इसके जो हुप्स में इन्फ्लेमेशन होगी, दर्द होगा, तो ये हम जो है मेलाक्सिन इसको दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये वाला इंजेक्शन भी दे सकते हैं। सफाई के लिए हमारे पास जो टूल होना चाहिए वो ये नाइफ है। या तो ये वाली नाइफ आपके पास होनी चाहिए या ये वाली नाइफ, ये आपको बाजार में कहीं भी मिल सकती है। तो अब हम दोस्तों सबसे पहले जो है इसकी हम सफाई करेंगे, जो इसके हुप्स है इसकी सफाई हम पहले करेंगे इस वाले नाइफ से, फिर हम आपको दिखाएंगे कैसे आप हुप ट्रिमिंग कर सकते हो। पहले ये जो डेड टिश्यू है इसको हम रिमूव करेंगे। अब ये वाला नाइफ जो है बहुत ही पेनफुल होता है। अब ये वाला जो हुक कट रहे हैं हमारे पास, इसे हम इसकी ट्रिमिंग करेंगे। सबसे पहले ट्रिमिंग से क्या होगा, जो ये डेड टिश्यू है ये हम इसको निकालेंगे। 50% ट्रीटमेंट यही होता है इसमें। यहाँ से इसको निकालना है। ये जो डेड टिश्यू यहाँ पर है, ये मिट्टी और ये, इसको हमें निकालना है। तो दोस्तों एक चीज़ का आपको यहाँ पर ख्याल रखना होगा, आपको ज़्यादा नीचे जाना नहीं है, इसको डीप इसको कट नहीं करना है। यहाँ से जब ब्लड आएगा वहीं पर आपको स्टॉप करना है। नाइफ से यहाँ पर जो है डेड टिश्यू है इसको भी निकालेंगे, ताकि जो मड़ जो है वो यहाँ पर नहीं फंसे। इसको बिल्कुल जो है साफ करना होगा। दोस्तों अभी बिल्कुल जो है वो साफ हो गया। अब अगर इस पर मड़ भी चढ़ेगा फिर वो खुद ब खुद नीचे मड़ आएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये ग्रोथ है, ये बैक्टीरिया ग्रोथ है। अब हम इसको जो है वो साफ करेंगे इसी कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट से। इसी वाले हुप को अब हम इसी में डुबाएंगे जो हमने ये सोल्यूशन बनाया है, ये वाला के नीचे जो है ये डिजॉल्व हो गया है अभी कॉपर सल्फेट। इसको हम क्या करेंगे, इसमें डुबाएंगे इस वाली पैर को, तकरीबन 1-2 मिनट के लिए इसी में रखेंगे। इसकी कॉपर सल्फेट की ये प्रॉपर्टी है, ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको स्टॉप कर देती है।
ये हमने आप देख सकते हो इसका रंग भी चेंज थोड़ा सा हो गया है। अगर आपके पास जो है स्प्रे है, आप स्प्रे भी अप्लाई कर सकते हो। ये वाला एंटीबायोटिक स्प्रे जो हमारे पास है, तो अब हम इसको एंटीबायोटिक देंगे। हम इसको ये वाला ऑक्सो टेट्रासाइक्लिन, ये हम इसको देंगे। ये लॉन्ग एक्टिविटी का एंटीबायोटिक आता है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है। सील है थोड़ा सा इसमें। ये हम इसको 4 ml देंगे, हम इंट्रामस्कुलर इसको देते हैं। थोड़ा सा इसको खींचेंगे, देखेंगे ब्लड तो नहीं है, तो इसमें ये हो गया। ये इसको 3 दिन देना है जब तक ठीक हो। अब हम इसको दूसरा जो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन है, पैरास्टामोल या मेलॉक्सिन, ये भी हम इसको 2-3 ml देंगे, ताकि जो इसका जो ये दर्द है ये इससे जो है कम हो जाएगा। तीन एम एल देंगे। तो ये यहाँ इसको हम नेक पर देंगे। इससे इसका दर्द और इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाएगा। 3 दिन आपको ये लगातार ये इंजेक्शन और ये सफाई इसको करना होगा हूप की, तभी जो है ये फुटराट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी इसकी ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब उसको अंदर दोस्तों, अगर रेनी सीज़न चल रहा होगा तो खुद ब खुद जो है इनके जो हुप्स है वो गीले हो जाएंगे, तो हर जगह जो है वो मड उठेगी, तो इनके जो है हुप्स जो है वो खुद ब खुद जो है वो गीले हो जाएंगे। उसके लिए भी हमने एक इसके लिए सोच रखा है, इसको जो है कैसे हम बचाएंगे उसका है। हमें क्या करना है, हमें पहले जो है फिनाइल लेना है और इस जो है स्पॉन्ज का ये काम होता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर। एक हिस्सा जो है ये फिनाइल का लेंगे, इसको हम ये वाटर में डालेंगे, और जो है 20 हिस्से का जो है पानी लेंगे, और फिर क्या करेंगे इसको डिज़ोल्व करेंगे अच्छे से। फिर इसको जो है डिज़ोल्व करेंगे अच्छे से, तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब क्या करेंगे हम, इसको जो है इसी स्पॉन्ज में हम डालेंगे। तो इसने ये क्या किया, इसने अब्जॉर्ब किया। अब जब भी हम अपने जो है बेड उनको वापस लाएंगे शेड में, तो ये हम उनको बाहर रखेंगे जहाँ से रास्ता होता है आने जाने का। मान लीजिए ये मैं यहाँ रखता हूँ, जैसे मेरी ये एंट्रेंस है फॉर्म की, शेड की एंट्रेंस यहाँ से ही होती है। अब जब बेड जब आएंगे वो पैर इसी में डुबाएंगे, इसी स्पॉन्ज में डुबाएंगे, तो जब ये फिनाइल जो है इनके जो हुप्स में लगेगा, तो फिनाइल का काम ये भी एक डिसइंफेक्टेंट है, ये अगर बैक्टीरिया इनके हुप्स में लगा होगा तो ये इसको किल करेंगे। तो इससे क्या होगा, वो शीप जो है वो फुट रॉट से बच सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा, जैसे मैंने अभी ये छोड़ा,
दोस्तों जो हमारे पास टूल है ये नाइफ है, इसको हम पहले डिसइंफेक्टेंट में डालेंगे ताकि अगर इसमें कोई बैक्टीरिया वायरस वायरस लगा होगा तो ये जो है जानवरों में फिर नहीं फैलेगा। जब हम इसकी हूफ ट्रिमिंग करेंगे तो ये जो है ये अब साफ हो गया है। अब हम दोस्तों जो ये फूड रॉट जो है ये बेसिकली एक मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है। अगर हम इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे तो जो इससे नुकसान हो जाएगा, जब भेड़ का जो है पैर जो है ख़राब हो जाएगा तो फिर वो ग्रेजिंग कैसे कर सकती है। जब वो ग्रेजिंग नहीं करेगी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो हमारा जो है नुकसान हो जाएगा। तो हमें जो है वो कहते हैं ना प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, तो हमें उसी के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, मैनेजमेंट के ऊपर, तभी हम इन जो ये बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।